हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ग्रेड कार्ड के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि हमें ग्रेड कार्ड कैसे चेक करना है ग्रेड कार्ड में आप कैसे चेक करेंगी कि आपका सब्जेक्ट जो है उसमें आप पास हैं या फिर फेल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि इसमें हमारा नॉट कम्प्लीटेड शो हो रहा है या फिर कम्प्लीटेड शो so हो रहा है तो इसका मतलब क्या है तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए जानते हैं कि आपको ग्रेड कार्ड कैसे चेक करना है और ग्रेड कार्ड में आपको कैसे पता करना है कि आप पास हैं या फिर फेल हैं तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए हमें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है इग्नू पर इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिज़ल्ट का आपको इसके ऊपर क्लिक करना है जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ग्रेड कार्ड का आपको ग्रेड कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है ग्रेड कार्ड से आप क्या चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने असाइनमेंट प्लस आपके जो थ्योरी के मार्क्स हैं दोनों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि आपका थ्योरी का जो रिजल्ट आता है वो अलग जगह आता है और आपका जो असाइनमेंट का स्टेटस है वो अलग जगह आता है पर आपके इन दोनों के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर ग्रेड कार्ड में यानी कि ये आपकी एक मार्कशीट है यहाँ पर आपके ग्रेड कार्ड में दोनों के मार्क्स शो होते हैं कि आप पास हैं या फिर फेल हैं और इसके बाद अगर आपको नहीं पता है कि इग्नू में पासिंग क्राइटेरिया क्या है पास होने के लिए असाइनमेंट में और आपके थ्योरी के पेपर में तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए सबसे पहले, पहले आपको यहाँ पर ग्रेड कार्ड में आना है ग्रेड कार्ड में आने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेड कार्ड स्टेटस फोर तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपका जो भी प्रोग्राम है तो यहाँ पर आपको उस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर ये फिल करना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है तो यहाँ पर अगर आपका प्रोग्राम बी सी एम सी एम सी ए न्यू या फिर एम पी एम पी बी पी जी डी सी ए पी ए न्यू न्यू प्रोग्राम एमबीए आपका एमबीए का न्यू प्रोग्राम है या फिर एम एफ का प्रोग्राम है तो अगर इन सभी प्रोग्राम में से आपका कोई प्रोग्राम है तो आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इसके बाद इनमें से आपका कोई प्रोग्राम नहीं है तो सेकंड नंबर पे आपको बी डी पी बी के प्रोग्राम दिए हैं यानी आपका बी डी पी बी और बीए ऑनर्स के प्रोग्राम दिए हैं अगर आपका एडमिशन 2019 से पहले का है बीए बीकॉम बीएससी का किसी भी पुराने सिलेबस का एडमिशन है 2019 से पहले का तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे इसके बाद अगर आपका बी बीकॉम जी बी जी या फिर बी एनर्स का कोई भी प्रोग्राम है आपका जैसे कि बी ए पोलिटिकल साइंस ऑनर्स बी ए हिस्ट्री ऑनर्स बी ए ऑनर्स 2019 के बाद आपने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है फ़ॉर सी बी सी एस प्रोग्राम क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका ग्रेड कार्ड का स्टेटस शो नहीं होता है इसके बाद अगर इन तीनों में से कोई भी प्रोग्राम आपका यहाँ पर नहीं है तो, तो आपको यहाँ पर फोर्थ तो ऑप्शन पर क्लिक करना है फ़ोर अदर प्रोग्राम तो मैंने यहाँ पर फॉर अदर प्रोग्राम पर क्लिक किया इसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है इनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम कोड फिल करना है जो भी आपका प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कोड यहाँ पर आएगा प्रोग्राम कोड यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपको यहाँ पर देखना है कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोग्राम कोड जो भी है आपका प्रोग्राम कोड वो फिल किया इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्च करने के बाद आपका जो भी असाइनमेंट या फिर आपके थ्योरी मार्क्स हैं उसका स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो मैंने यहाँ पर सर्च किया सर्च करने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे कि यह आपके यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो शो हो जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके मार्क्स हैं तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके किस में कितने मार्क्स आए हैं असाइनमेंट में प्लस आपके थ्योरी में कितने मार्क्स आए हैं मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर नॉट कम्प्लीटेड या कम्प्लीटेड देख रहे हैं तो नॉट कम्प्लीटेड का मतलब होता है यानी कि आप उस सब्जेक्ट में आपका क्लियर नहीं है वो आपका सब्जेक्ट और जहाँ पर कम्प्लीटेड लिखा हुआ है वह इसका मतलब ये है कि आपका असाइनमेंट भी क्लियर है और आपका थ्योरी का पेपर भी क्लियर है यानी कि आप इसमें पास हैं और नॉट कम्प्लीटेड में क्या है अगर आपका असाइनमेंट क्लियर नहीं होगा जब भी नॉट कम्प्लीटेड आएगा और यहाँ पर अगर थ्योरी का पेपर क्लियर नहीं होगा जब भी यहाँ पर नोट कम्प्लीटेड आएगा और दोनों में आपका सेपरेट पास होना जरूरी यानी कि दोनों में अलग अलग पास होना आपका जरूरी है आपका असाइनमेंट में भी अलग से पास होना जरूरी है और आपका थ्योरी में भी अलग से पास होना जरूरी है जब भी आपके दोनों के मार्क्स मिलाकर आपको पास किया जाएगा यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एम ई डी जीरो एट में सिक्सटी एट असाइनमेंट में मार्क्स है पर यहाँ पर थ्योरी के मार्क्स नहीं है तो जैसे ही थ्योरी के मार्क्स आ जाएंगे तो यहाँ पर ये कम्प्लीटड हो जाएगा पर अगर यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे नीचे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है एम पी एस सी जीरो फोर तो इस सब्जेक्ट में असाइनमेंट में सेवेंटी वन मार्क्स आए हैं पर यहाँ पर थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो ट्वेंटी फ़ोर है यानी कि एम पी एस सी जीरो फोर में जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स नहीं है इसीलिए लिए यहाँ पर नॉट कम्प्लीटेड शो हो रहा है तो दोनों में आपका अलग से सेपरेट पास होना जरूरी है जब ही यहाँ पर कंप्लीट होगा और जब सारे आपके सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीटेड हो जाएंगे तो आपका यहाँ पर ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाएगा देन आप इलीजिबल हो जाएंगे अपनी मार्कशीट के लिए आपकी जो मार्कशीट है वो कुछ दिनों बाद आपके पास आ जाएगी तो ऐसे ही आपको यहाँ पर चेक करना अपने ग्रेड कार्ड का स्टेटस कि आप पास हैं या फेल हैं आपको यहाँ पर सिंपली ग्रेड कार्ड स्टेटस पे आना है इसके बाद अपना इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड फिल करने के बाद यहाँ पर आना है इसके बाद चेक करना है अगर कम्प्लीटेड सो so हो रहा है इसका मतलब आप पास हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे होते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके थ्योरी के मार्क्स नहीं लगे होते हैं तो अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हैं तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स तो आने के बाद थ्योरी के मार्क्स मिला के आप पास हो जाएंगे इसके बाद आपके अगर थ्योरी के नहीं लगे तो थ्योरी के मार्क्स लगाने के बाद दोनों के ऐड करने के बाद आपका कम्प्लीटेड्स होगा पर दोनों में सेपरेट पास होना जरूरी है आपको ध्यान रखना है कि आप अगर असाइनमेंट में फेल हैं पर अगर आप थ्योरी में पास हैं तो आप फेल माने जाएंगे इसलिए दोनों में पास होना ज़रूरी है कुछ स्टूडेंट्स ये, ये भी कहते हैं कि हम इसमें पास हैं और इसमें फेल हैं तो दोनों के ऐड करके हम पास माने जाएंगे तो ऐसा नहीं है आपको दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं धन्यवाद